यूरोप में टाटा स्टील ने कुछ हिस्सा बेचा, लॉन्ग प्रोडक्ट कारोबार ग्रेबुल कैपिटल को बेचा, करीब 4000 करोड़ रुपए में हुआ सौदा, 8 हफ्ते में पूरी होगी डील। एयरटेल मनी को मिला पेमेंट बैंक का लाइसेंस, पिछले साल अगस्त में मिली थी सैद्धांतिक मंजूरी। बेहतर मॉनसून और मजबूत विदेशी संकेतों से बाजार को लगे पंख, सेंसेक्स 348 और निफ्टी 116 अंक चढ़कर बंद। टेलीकॉम टेक्नोलॉजी और पावर शेयर्स में सबसे ज्यादा खरीदारी। इस साल मॉनसून सामान्य रहने की उम्मीद, IITM का अनुमान, कई निजी एजेंसीज ने सामान्य मॉनसून की उम्मीद जताई। अब पैसा ट्रांसफर करना हुआ और आसान, रिजर्व बैंक ने शुरू किया यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, 29 बड़े बैंक आए एक प्लेटफॉर्म पर। विजय माल्या के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के मूड में ईडी, माल्या का पासपोर्ट रद्द करने की कर सकता है मांग, गैर जमानती वारंट भी हो सकता है जारी। जल्द नीलाम होगी विजय माल्या की संपत्ति, सर्विस टैक्स विभाग ने शुरू की नीलामी की प्रक्रिया, माले पर सर्विस टैक्स विभाग के 100 करोड़ रुपए बकाया। घर खरीदारों के सोशल मीडिया पर विरोध के बाद आम्रपाली की सफाई, सुस्त बाजार, फंड की कमी के चलते प्रोजेक्ट में देरी, 2-3 महीने में पूरा हो जाएगा काम। बदलेगी टेलीकॉम सेक्टर की सूरत, टेलीकॉम सेक्टर में 5 बड़े फैसले जल्द, IP बेस्ड इंटरकनेक्शन को मंजूरी, इस हफ्ते यूनिफाइड लाइसेंस में बदलाव होगा। पश्चिम बंगाल में दूसरे दौर में भी 70% से ज्यादा मतदान, असम में 75% से ज्यादा वोटिंग, मनमोहन ने दिसपुर में डाला वोट।